हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तेक्नीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर थे और सभी चैप्टर का हम बारी बारी से जो है वीडियो हम उसका MCQ वाइज डाल दिए हैं। आप जरूर जाकर वहाँ देखें, अपना रिविजन करें। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है कंप्यूटर शुरुआत किया है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में आज हम लोग जो देख सकते हैं क्या है, 6th चैप्टर को देखेंगे, जिसमें क्या है इनपुट एवं आउटपुट युक्तियां, या कह सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम आज देखेंगे। फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कुछ चीज़ें हम लोग जान रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, लेकिन कुछ भी नई चीज़ों का आविष्कार करता है फ्रेंड्स, वो भी इनपुट आउटपुट में आते हैं। तो इसमें सारा चीज़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसका पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होने के कारण ऐसा कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते तो शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड, जरूर जुड़ें उससे। वहाँ इसका जो है टिक लगा हुआ PDF आपको मिलेगा, आप वहाँ से भी रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो है पहला क्वेश्चन। तो हम लोग शुरुआत में क्या देखते हैं फ्रेंड्स, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं, इसी चैप्टर से जो एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। तो देख सकते हैं क्या फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए देख सकते हैं प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, वो चीज़ इसमें क्या होगा खाली स्थान पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक तरह से नंबर एंट्री करने के लिए, एक तरह से समझिए क्या हम लोग कीबोर्ड में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 2 नंबर है फ्रेंड्स, क्या है, डैश एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिदम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, क्या एक जो है डिजाइन टूल है, ब्लैंक स्पेस पर क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, फ्लो चार्ट। इसका करेक्ट आंसर फ्लो चार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स 3 नंबर देख सकते हैं, क्या है, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम जो है ये कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कौन सी उपयोगिता जो कह रहे हैं उसको उपयोगी बनाती है, कौन सी विशेषता सॉरी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम में डाटा नॉन वॉलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। तो ये चीज़ जो है फ्रेंड्स की विशेषता है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, क्या है, रैम का पूरा नाम क्या है। तो फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हम लोग इसको जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एग्जाम प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन 5 नंबर प्रश्न है, CAI का पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स, CAI का पूरा यानी फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, याद रखेंगे कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन CAI। अगला प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं क्या है, 6 नंबर है, मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है, ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 अक्षर 24 लाइन। तो फ्रेंड्स, इसको याद कर लेना है, 80 अक्षर 24 लाइन याद रहे। अगला प्रश्न 7 नंबर, क्या है, WPM का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, WPM का अर्थ यानी फुल फॉर्म जो है WPM का जो है क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर की बात करो, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो है 7 का B ये होगा, वर्ड पर मिनट, ये नहीं फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने भी देखा ही नहीं। प्रश्न 8 नंबर दोस्तों, क्या है, CRT का पूर्ण नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब, याद रखेंगे, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी गलत हो गया था, कैथोड रे ट्यूब CRT का फुल फॉर्म हो जाएगा। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, देखते हैं CDS का आकार कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, CDS का आकार आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल, तो वही CD जो होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं 10 नंबर है, क्या है, क्या है, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजिशन दर्शाता है उसे डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लिंकिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, मॉनिटर पर या जो है कुछ कार्य हम लोग करते हैं तो वहाँ दिखता है, वो चीज़ें कही जा रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कर्सर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न 11 नंबर है, क्या है? बिल गेट्स हैं, तो बिल गेट्स कौन है? चार ऑप्शन दिया गया, आप इसको अच्छे से देख लें। ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स, बिल गेट्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, तो याद रहेगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं, 12 नंबर है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डैश का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स किसी चीज़ को सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चार ऑप्शन दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग जो है देखें सिलेक्ट किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग माउस क्लिक करते हैं, हाईलाइटेड करने के लिए भी माउस का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 13 नंबर है, MICR में सी का पूरा रूप जो है बताइए। सी का मतलब क्या हो जाएगा MICR में फ्रेंड्स? सी का पूरा रूप क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैरेक्टर हो जाएगा, याद रहेंगे। 14वां प्रश्न है, ब्लूटूथ नाम किस राजा के नाम पर रखा गया है? समझिए फ्रेंड्स जो है ब्लूटूथ नाम जो है किस राजा के नाम पर रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? हेराल्ड ब्लेंटेड, तो याद रहेगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 15वां प्रश्न है, USB ड्राइव को विकसित किया गया। तो फ्रेंड्स USB ड्राइव को विकसित किया गया किसके जो है एक तरह से, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा U3, याद रहेगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को भेजने का मानक तरीका है। यानी फ्रेंड्स जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करने का जो मानक तरीका, कंप्यूटर में ज़्यादातर जनरली यही होते हैं अधिकतर, तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइपरलिंक। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं क्या है, 17वां प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को जांच निम्न में से कौन करता है? जितने फ्रेंड सभी हार्डवेयर की जांच होती है इसके द्वारा होती है, तरह से ये कही जा रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? BIOS। BIOS का फुल फॉर्म भी पूछता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। 18वां प्रश्न है, यह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है, तो फ्रेंड्स यह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है, यानी विजुअल कहने की बात मतलब फ्रेंड्स वो दिखने क्या चीज़ है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉनिटर। विजुअल मतलब जिसमें दिखाई दे। अगला प्रश्न 19 नंबर देख सकते हैं क्या है, प्रश्न है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? चार ऑप्शन दिया गया है, स्कैनर, जॉयस्टिक, फ्लॉपी माउस। तो फ्रेंड्स हम लोग एक तरह से समझिए इसका करेक्ट आंसर स्कैनर हो जाएगा, इसी के जरिए हम लोग क्या करते हैं किसी इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो चीज़ें हैं। 20वां प्रश्न क्या है, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? चेक को जब हम लोग स्कैन करते हैं फ्रेंड्स वो चीज़ें कही जा रही है, यानी उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन इसका सी है फ्रेंड्स, MICR, याद रहेगा। 21वां प्रश्न है, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथमाक्षर क्या होता है? तो रीयूज होने वाले फ्रेंड्स ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथमाक्षर पूछ रहा है, इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, RWO। अगला प्रश्न 22 नंबर है क्या है, एक कंप्यूटर माउस क्या है? तो फ्रेंड्स एक कंप्यूटर माउस क्या है ये पूछा जा रहा है, इसका फ्रेंड्स चार ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक ऐसा तंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है तीर के द्वारा, तो तीर के द्वारा फ्रेंड्स याद रहेगा। अगला प्रश्न है 23, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती है, ये चीज़ें कही जा रही है फ्रेंड्स। फंक्शन की मतलब F1 F2 करके जो लिखा रहता है फ्रेंड्स वो चीज़ें, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 12 की ही होते हैं, F12 तो लिखा रहता है। 24वां प्रश्न है, बहुत्तरीय प्रश्न के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जाँचा जा सकता है? तो फ्रेंड्स वही चीज़ जो है, बहुत्तरीय प्रश्न के उत्तरों को निम्न से कौन सी विधि, OMR की जो जाँच वाला होती है फ्रेंड्स वो चीज़ें उसी प्रकार है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OMR। अगला प्रश्न 25 नंबर है, मैसेज और बार कोड्स के बीच की मैपिंग को कहते हैं, तो फ्रेंड्स को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देख सकते हैं जो है सिम्बोलॉजिक, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न 26 नंबर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करना है। तो फ्रेंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सीपीयू, कह रहा है कि डाटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करना है। तो चार ऑप्शन फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टोरेज यूनिट याद रहेगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 27 नंबर है, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को कहते हैं। तो फ्रेंड्स अंकों की कुंजी की समूह को क्या कहते हैं, वही 1 से 10, 12 तक, 10 तक लिखा रहता है फिर 0 लिखा रहता है, वो चाहिए 1 से 9 तक फिर 0, तो फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूमेरिक पैड कहते हैं, नंबर की नंबर सिस्टम ये सब नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न 28 है, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। तो फ्रेंड्स टैब कुंजी जो होता है कीबोर्ड में टैब कुंजी होता है, उसका प्रयोग किस लिए होता है वो चीज़ें कही जा रही है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर 29, सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं डैश कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मदरबोर्ड, सीपीयू कहाँ होते हैं मदरबोर्ड में वो चीज़ें कही जा रही है। अगला प्रश्न 30 नंबर है, कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स किस कार्ड का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, साउंड कार्ड याद रहेंगे। अगला प्रश्न है 31 नंबर है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो चार ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, छापना, टाइप करना, इनपुट करना, उपयोग सभी, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स कीबोर्ड का काम सिर्फ इनपुट करना है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है 32 नंबर, फ्लॉपी डिस्क होती है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, चार ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबक के द्रव से निर्मित। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है फ्रेंड्स, चुंबक के द्रव से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है 33 नंबर है, किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, हार्ड डिस्क जो है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्ड डिस्क बहुत बड़ा चीज़ है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। तो एरो के बटन फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, चार एरो की जो है चार होते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर, तो क्या फ्रेंड्स कंप्यूटर माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में माउस के नीचे ध्यान रहेगा, माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। तो फिर इसका जो है ऑप्शन बी होगा, माउस पैड कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 36 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है डाटा किस रूप में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स डाटा किस रूप में हो सकते हैं देख सकते हैं, अलिखित, लिखित और श्रव्य, ये तथा भी दोनों, ये चीज ऑप्शन दी गई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, डाटा अलिखित भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। अगला प्रश्न 37 नंबर है, डैश कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो कंप्यूटर को बताती है कौन चीज़ें जो है कंप्यूटर को बताती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरण का प्रयोग कैसे करना चाहिए। अगला प्रश्न है 38 है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है। तो कंप्यूटर में फ्रेंड्स एक मदरबोर्ड होता है, तो वही कह रहा मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है, चार ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या जाएगा, इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए। एक्सपेंशन स्लॉट का क्या मतलब है, इंटरनल कार्ड उसमें ऐड होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स दे सकते हैं 39 नंबर है, सिलिकॉन से बनी उस जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है उसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो है फ्रेंड इंटीग्रेटेड सर्किट जो है सिलिकॉन की बनी होती है, चीज़ें दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है,
इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीज़ें। ऑप्शन ए है बैंक चेक में होता है, ऑप्शन बी यह आसानी से पढ़ी जा सके वहाँ, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स कानून के रूल लिखने में। तो ये जो है मैग्नेटिक इंक के करेक्टर का प्रयोग होता है। 41वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? चार ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, कौन ऐसा चीज़ जो माउस की तरह ही कार्य करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रैक बॉल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 42 नंबर दिया गया है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स कौन सा बटन जो है ओके करने के लिए, तो ये जो है इसे करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा बाया, याद रहेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स दोस्तों 43 है, आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या चीज़ संभव बनाते हैं वो चीज़ें कही जा रही है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या डाटा देखना या प्रिंट करना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।